देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर नगर के चांदपुर रोड पर आम आदमी पार्टी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, जिसमें जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर आम आदमी पार्टी द्वारा करीब 25,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का टारगेट आला कमान द्वारा दिया गया है, जिसकी तैयारी में प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। यह सदस्यता अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने का है। तो वही 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव पर कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में अपने दम पर प्रत्येक विधानसभा पर अपना प्रत्याशी उतारने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाएगी। तो वही पूर्व में प्रदेश में सपा सरकार पर भी प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। कहा कि सपा सरकार में प्रदेश में सही स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षा नहीं मिल सकी, जिसके लिए आम आदमी पार्टी प्रदेश में लोगों को सभी सुविधाएं दिलाने का काम करेगी। तो वही कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में यह भी चीजें एक जीती जागती मिसाल है। पेशे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से एक आग्रह करता हूँ कि सभी साथी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होने वाले सदस्य आह्वान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हम उत्तर प्रदेश में एक अच्छी शिक्षा लेकर आ सकें, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं लेकर आ सकें, बिजली की जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है वो यहाँ पर फ्री करा सकें, ताकि हर गरीब मजदूर का बच्चा भी एक अच्छी एजुकेशन ले सके, अच्छे उजाले में पढ़ सके। दूसरा, जितनी भी हमारी माता बहनें हैं उनका टिकट अगर माफ होगा तो वो अपने गांव से निकल के शहर में भी रोजगार के लिए जा सकती हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने साधन जुटा सकती हैं। तो मेरा सभी से, युवाओं से, अक्सर के सभी साथियों से अपील है, बुजुर्ग माँ बापों से भी अपील है, सभी से एक ही अपील है कि वो 8 तारीख से जो शुरू हो रहा है अभियान, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आम आदमी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा लोग सदस्यता लें, ताकि हम 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकें और बिजली पानी स्वास्थ्य सेवाएं सभी को दुरुस्त कर सकें। आप सभी साथियों का, सभी प्रदेशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम आज जो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की जो भर्तियां हैं, योगी सरकार की जो भर्तियां हैं, हम उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कराने के लिए हम एक रिक्वेस्ट भी करते हैं और आगे से एक चीज़ भी करना चाहते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनसे एक संदेश भी देना चाहते हैं कि वो किसी भी सरकार के बहकावे में ना आएं। आप ये समझ सकते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार बनी है, तब से कम 20 भर्तियां ऐसी हैं जो आज तक लटकी पड़ी हैं। मैं आज उन सभी युवाओं से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने वोट इसलिए किया था कि आपकी जो आवाज़ है वो ऊपर तक ना जाए? आपने जिन भर्तियों में अपने फॉर्म भरे हैं वो भरे के भरे रह जाएं, ये डिसाइड आपको करना है। मैं आपसे सभी युवाओं से एक अपील करता हूँ कि वोट अपना उसको दें जो आपको रोजगार की गारंटी दे। और उन सभी बहनों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपनी एजुकेशन अपने माँ बाप के द्वारा करती हैं या अपने जो पति हैं उनके द्वारा करते हैं और रात दिन मेहनत करके वो एक सपना सजोते हैं कि हमें कल नौकरी मिलेगी, हम अपने परिवार को 2 पैसे कमा कर दे पाएंगे, हम अपने पति को एक आर्थिक सहायता दे पाएंगे, और वो जब नहीं होती है तो कितना बुरा लगता होगा उनको, कितने उनके सपने जो सजोते हैं जब वो टूटते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। 2022 के लिए क्या आम आदमी पार्टी क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी 2022 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि हमारे जो माननीय संजय भाई हैं, जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, उनका ये आदेश है, उनका सभी जितने भी विधानसभा हैं सभी पर चुनाव लड़ने के पूरी तैयारियां हैं, और सभी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने काम में जुट चुका है। और 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में 1 करोड़ युवाओं को, 1 करोड़ उत्तर प्रदेश के साथियों को, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग माता पिताओं को, सबको जोड़ने का काम किया जाएगा। आज संजय सिंह जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।